हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। और आज बच्चे बोल रहे हैं, अभी हो रहा है, कितने बज रहे हैं, शाम का टाइम हो रहा है, 6 बज रहे हैं। बच्चे चले गए दोनों नीचे खेलने के लिए, और मैं ना मेरा काम किचन विचन थोड़ा सा क्लीन किया, उनको दूध वूध दिया, जूस बनाया, सबको जूस वूस पी लिया, जिसको दूध पीना था उन्होंने दूध पी लिया। और बस अब बच्चे बोल रहे हैं कि कुछ ठंडा बना दो, कुल्फ़ी बना दो या कस्टर्ड। तो अभी तो मैं कस्टर्ड बनाऊँगी, तो आप लोगों के साथ कस्टर्ड की रेसिपी शेयर करूंगी। तो अभी चल लेते हैं किचन में, किचन में देख लेते हैं काम अपना क्या क्या है। और मैंगो भी लेके आए थे, मैंगो धो के वॉश करके रख दिए, तो बच्चों को मैंगो शेक बना के रख दूंगी, रात को पियेंगे वो। और कस्टर्ड अभी बनाऊंगी तो सुबह तक ही ठंडा होगा, सुबह थोड़ा ठंडा हो जाएगा जब बच्चे खाएंगे। तो चलिए कस्टर्ड की रेसिपी शेयर करती हूँ आप लोगों के साथ। और अभी मैंने बर्तन क्लीन करके रख दिए थे, ये सारे बर्तन धो के रख दिए, और मैंगो लेके आए थे, तो ये मैंगो भी वॉश करके रख दिए। दूध निकाल लिया मैंने फिर, और ये यहाँ पे ना दूध मेरे पास ज़्यादा है, 2 लीटर दूध है, इसको थोड़ा सा निकाल लेती हूँ, बहुत ज़्यादा हो जाएगा। आधा लीटर दूध निकाला, तो यहाँ पे ही मैंने 1.5 लीटर दूध ले लिया। और इसकी जो मलाई है, मलाई मैंने निकाली नहीं, मलाई को भी ले लिया है। और अब इसमें उबाला आने देते हैं, इसमें एक अच्छा सा उबाला आएगा जब तक हम कस्टर्ड को घोल के तैयार करते हैं। तो हमारा 1.5 किलो दूध है, तो हम 4 चम्मच फुल ले लेते हैं कस्टर्ड पाउडर की। हमारे पास 4 चम्मच कस्टर्ड पाउडर हो गया। अब इसको थोड़ा सा नॉर्मल पानी से घोल लेती हूँ। मैंने नॉर्मल पानी ले लिया है, थोड़ा थोड़ा डालते रहेंगे। और इसको हमें एकदम स्मूथ सा घोल बनाना है, इसमें कोई भी लम्स नहीं होने चाहिए। ये देखिए घोल बनके हमारा तैयार हो गया। यहाँ पे दूध भी हमारा गर्म हो रहा है, अभी उबाला नहीं आया इसमें, तो इसमें मैं चीनी डाल देती हूँ। तो ये मैंने 1 कटोरी चीनी ली है 1.5 किलो दूध में, छोटी कटोरी, आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हो, जितना मीठा खाओ उतना। इसको डाल देते हैं इसी में, इसको भी मिक्स कर लेते हैं। और बच्चों को तो कस्टर्ड बहुत पसंद आता है, आप गर्मियों में बना सकते हो, बच्चे खुश हो जाते हैं। बनाते भी हो गए आप लोग, मैं जैसे बनाती हूँ उस तरीके से, जैसे मैं सिंपल कस्टर्ड बनाती हूँ, मेरे घर में बच्चे मन्नू भी नहीं खाता और ये लोग भी फ्रूट्स वाला नहीं खाते, तो मैं सिंपल कस्टर्ड बनाती हूँ, वही सबको पसंद आता है। दूध उबलने वाला है, बच्चे तो नीचे ही गए ना खेलने। अभी जो कस्टर्ड हमने घोल के रखा हुआ है, इसको एक बार हिला लेते हैं, क्योंकि कस्टर्ड नीचे जम जाता है। और इसको धीरे धीरे करके हमें इसमें डालना है, एक हाथ से चलाते जाएंगे, उड़ाते जाएंगे इसको। पूरे 2 मिनट अच्छे से उबालेंगे, कस्टर्ड का जो कच्चापन है उसको दूर करने के लिए थोड़ी देर पकाएंगे इसको। और ये धीरे 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 गाढ़ा हो जाएगा, देखिए। और अब इसको 2 मिनट हो गए, अभी कस्टर्ड हमारा बनके तैयार हो गया, देखिए गाढ़ा हो गया। और ठंडा होने के बाद और भी अच्छा गाढ़ा हो जाएगा, पहले इसको थोड़ा ठंडा बाहर होने देते हैं, जब ये नॉर्मल टेम्परेचर पे आ जाएगा फिर इसको मैं फ्रिज में रख के ठंडा कर लूँगी, उसके बाद सबको सर्व करूँगी। ये देखिए कलर भी कितना अच्छा है, और थिकनेस भी देखो ठीक है इसकी। अभी ये ठंडा हो, जैसे जैसे ठंडा होगा वैसे वैसे ही गाढ़ा हो जाएगा। और इसमें मैंने फुल क्रीम दूध लिया है, गोल्ड वाला दूध, पतला नहीं होना चाहिए, नहीं ना कस्टर्ड हमारा टेस्टी नहीं बनता। और आप चाहो तो इसमें अमूल क्रीम भी डाल सकते हो,
पर मैंने फुल क्रीम दूध लेके सिंपल बनाया है। अभी हमारा कस्टर्ड बनके तैयार हो गया, गैस बंद कर देती हूँ और अपने बाकी के काम कर लेती हूँ। कस्टर्ड ठंडा हो रहा है और मैं जब तक आटा लगा लेती हूँ, और मैंने बनाई है राजमा आलू की सब्जी, तो आटा लगा के तैयार कर लेती हूँ, बच्चे आएंगे जब तक खेल के। और ये देखिए बच्चे भी आ गए, आजो गेट खुला है, आजो आ गए खेल के। मम्मी आपने क्या बनाया हमारे लिए? क्या बोला था आपने बनाने के लिए? लेकिन कुल्फी का अभी मेरे पास कुछ नहीं था, कस्टर्ड भी तो बोला था आपने, लुगु तो कस्टर्ड खाना था। लुगु हाय करो सबको। हाय फ्रेंड्स। तो मैंने तो कस्टर्ड बना दिया, अभी ठंडा हो रहा है, वो चला ना जाए, गेट तो बंद कर दिया ना। लुसी आओ, ये दोनों बच्चे भी आ गए। तो अभी तो बेटा ठंडा होगा, टाइम लगेगा। आप टीवी देखो जब तक मैं खाना तैयार कर देती हूँ, फिर खाना खाओ। तो सिंपल कस्टर्ड खाओगे या मैंगो वाला? क्यों कस्टर्ड नहीं पसंद आपको? ऐसे कैसे? फिर कल मैं कुल्फी बनाऊंगी तेरे लिए। और ये टीवी देख रहे हैं बैठ के आराम से, इनकी छुट्टी है और बच्चे भी बैठ के। बेटा बहुत अच्छा होता है कस्टर्ड खा के देखना, बहुत टेस्टी लगेगा। वेनिला फ्लेवर का बनाया है। बच्चे आ गए खेल के और मैं पूजा कर लेती हूँ, पूजा करके फिर आटा लगा लेती हूँ और इन लोगों के लिए बना देती हूँ रोटी। और मंदिर में बस पूजा कर ली मैंने, संध्या का टाइम हो गया था दिया बत्ती का, तो बस पूजा करके और अब वापस किचन में आ गई मैं, अब आटा लगा लेती हूँ। गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा गर्मी, किचन में आने का मन ही नहीं करता गर्मी में ना। बच्चे टीवी देख रहे हैं पीछे बैठ के आराम से, मूवी चल रही है, तब तक मैं उनके लिए खाना बना रही हूँ। तो देखते खाना खा रहे हैं, राजमा की सब्जी और आलू प्याज की सूखी सब्जी, खा लो दोनों, खाओ। और ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा कस्टर्ड हो गया बनके तैयार, और इसको मैंने चेरी डाल के डेकोरेट कर दिया। और आप चाहो तो इसमें सारे फ्रूट्स काट के डाल सकते हो, मैंगो बनाना एप्पल। फ्रेंड्स आप लोग आ जाइए, आप लोग भी खा लीजिए ठंडा ठंडा कस्टर्ड, गर्मियों में ठंडी ठंडी चीज़ मिल जाए, कस्टर्ड हुआ आइसक्रीम हुई, तो खाने के बाद मज़ा ही आ जाता है खाने का। तो बस पहले तो कुछ बोल रहा था कि मैं नहीं खाऊंगा, और अभी आप लोग देखना कितने मज़े से खाया है उसने, और डुगु को तो बहुत ही पसंद आया था। और बस सबको डाल के दे भी देती हूँ, और बहुत ही मज़ेदार कस्टर्ड बना था, सिंपल सा टेस्टी सा और मज़ेदार, और देखने में चेरी डालने से एकदम कलरफुल लग रहा है। और आप ड्राई फ्रूट्स भी डाल सकते हो, कुछ भी डाल सकते हो उसकी जगह। और अभी कुछ को देखो आप कितने मज़े लेके खा रहा है। कुछ बताएगा हमें टेस्ट करके कैसा बना है, कुछ टेस्ट करो बेटा। ओके। और पहले कितनी देर से मना कर रहा था? बहुत टेस्टी है फ्रेंड्स। खा लेगा? फिर क्यों बोल रहा था मुझे कस्टर्ड नहीं खाना? पहले नहीं अच्छा। मजा आया? मीठा ठीक है? मीठा। तो चलो वीडियो का एंड कर दो जल्दी से। ओके।
गाइस बाय बाय, मैं आपसे मिलूंगा कल के व्लॉग में, तब तक ले बाय बाय टाटा, सी यू ऑल इन नेक्स्ट व्लॉग। तो चलिए फ्रेंड, अब ये सब लोग कस्टर्ड खा रहे हैं, सबको डाल के दे देती हूँ और इस वीडियो का यही एंड करती हूँ। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, जब तक के लिए बाय बाय।